दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आर वी एस टीचिंग पे आज आर वी एस टीचिंग पे आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण चीज लेके आए हैं यानी कहने का मतलब बहुत सारे कल स्टूडेंट का कॉल आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करा दीजिए ऑब्जेक्टिव का डिस्क्र डिस्कशन करा दीजिए देखिए छोटू मैं बता मैं बताता हूँ कि मैं जितना पढ़ाया था सबका सब मिल गया अगर आप नहीं अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप कल जाइए और आपदा वाला क्वेश्चन देखिए आपदा वाला क्वेश्चन का देखिए एक क्वेश्चन उसमें कराया गया था पहला क्वेश्चन था सूक्ष्म कृषि क्या है देखिए छोटू क्वेश्चन नंबर तेरह सेट नंबर सी का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तेरह सेट नंबर सी सूक्ष्म कृषि से आप क्या समझते हैं देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो आप मेरे कम्युनिटी में देख देख सकते हैं एक दिन मैं लगा दिया था कम्युनिटी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेज मार्ग का वर्णन करें यानी कहने का मतलब मैं जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको करा दिया था ऑनलाइन में नहीं तो ऑफलाइन में मैं जरूर करा दिया था तो दोस्तों आशा है उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से बनाए होंगे और मैं कह देता हूँ जो आदमी बनाए हैं उनको सफलता जरूर मिलेगी देखिए छोटू ध्यान दीजिएगा तो बात रही ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव भी इस बार बहुत अच्छा पूछा गया है तो एक बार आप लोग को जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर हम कितना बना के आए हैं कितना मेरा सही है वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए देखिए छोटू मेरे पास सेट सी है क्या है सेट सी है मेरे पास क्वेश्चन का सेट सी है ज्योग्राफी का है देखिएगा मिलाइएगा सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका है मीटर गेज रेल रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है चौड़ाई पूछ रहा है देखिए मीटर रे मीटर गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है तो इसका होता है सोलह सौ सड़सठ एम एम लेकिन आप इसको निकालिएगा तो आएगा एक दशमलव छः मीटर तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी अगर बात किया जाए तो पहला का आंसर होगा बी पहला का आंसर क्या है बी छोटू उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन बड़ी सिंपल क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू टी का मुख्यालय कहां है, कहा है? स्थापना कब हुई थी क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू टी की स्थापना कब हुई थी तो छोटू इसका बड़ी सिंपल आंसर है उन्नीस सौ पंचानवे जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है देखिएगा उसके बाद अगर अगला बात किया जाए तो आप आपके सामने में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ स्थित है उसमें स्थापना पूछ दिया था और इसका मुख्यालय पूछ दिया है तो घबराना नहीं है इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है न्यूयॉर्क दूसरा दे दिया है बियाना तीसरा दे दिया है जनेवा और चौथा दे दिया है नई दिल्ली तो छोटू आपका सही आंसर है जनेवा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है तो आप लोग तीसरा का अगर सी मारे होंगे तो आप लोग का सही हो गया होगा देखिए अगला क्वेश्चन है आवादान उदाहरण है चौथा क्वेश्चन है मेरा आवादान उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए है तेल पतन का दूसरा सवारी पतन का चौथा पैकेट पतन का और डी नौसेना पतन का तो आपका सही आंसर है तेल पतन का तो जो छोटू चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा का आंसर ए उसके बाद अगर बात किया जाए पांचवा क्वेश्चन तो पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संस्कृति नगर है संस्कृतिक नगर यानी घूमने फिरने वाला नगर मक्का मदीना आप जानते हैं मुस्लिमों का सांस्कृतिक नगर है जेरोसलम भी एक सांस्कृतिक नगर है वाराणसी भी एक सांस्कृतिक नगर है तो इसमें एक ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो आपका पचमा का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा है सर जी अगर आप बनाए होंगे तो पूरा का पूरा बन गया होगा देखिए सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है तो सड़क हर हमेशा सीधी बनाई जाती है और सीधी रेखा में हर हमेशा रेखीय प्रतिरूप बनती है तो आपका आंसर क्या है बी तो छोटू आपका छठा का आंसर हो गया बी चलिए अगला देखिएगा अगला अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है मेगा लोपेलिस का अर्थ क्या है आपको बताए थे अगर मेगा सिटी हो गया तो क्या हो जाएगा बहुत बड़ा नगर तो इसमें पहला क्या है जो मिलियन सिटी स्नानगार मेगा सिटी उसके बाद विशाल नगर तो आपका सतमा का आंसर क्या हो जाएगा विशाल नगर यानी सतमा का कोई पूछे तो सतमा का डी चले कोई दिक्कत नहीं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है देखिए छोटू बहुत अच्छा क्वेश्चन है खनन नगर की बात किया जाए तो झारखंड में कोयला का उत्पादन किया जाता है रानीगंज में किया जाता है खेतारी में किया जाता है लेकिन पटना में तो हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं वहां थोड़ी खुदाई का, का काम किया जाता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी पटना अठवा का डी चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की बात किया जाए अगला क्वेश्चन की तो आपका अगला क्वेश्चन है सिंगरे सिंगरे जिसको हम लोग सिंगरौली बोलते थे यह क्या है तो यह एक प्रकार का खनन नगर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है तो नम्मा का बी बोलिएगा जो लोग लगाए होंगे उनको आशा है पूरा का पूरा सही होगा उसके बाद अगला देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है रवि फसल की बुआई कब होती है तो आप लोग सब जानते हैं अक्टूबर नंबर में होती है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो दसमा का क्या हो जाएगा ए उसके बाद अगला बात किया जाए अगला क्वेश्चन है गेहूँ किस फसल का उदाहरण है अरे ये तो कल ये तो अभी भी डलाया गया है वीडियो उसमें भी जाके देखिए गेहूँ एक प्रकार का रबी फसल का उदाहरण है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए में तो आप क्या बोलिएगा एगारह का ए चलिए बहुत अच्छी बात है उम्मीद है आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा देखिए चावल चावल उत्पादन में अग्रमी राज्य यानी बारह नंबर क्वेश्चन चावल उत्पादन में अग्रमी राज्य पहला है केरल गोवा महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल तो आपका छोटू सही आंसर है पश्चिम बंगाल जो कि डी नंबर ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में चलिए देखिएगा उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन कपास कपास उत्पादन में अग्रमीरा सब कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है तो कपास उत्पादन में सबसे अग्रमी राज्य है गुजरात जो कि आपका ए नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका क्या हो जाएगा ए 11 का ए उसके बाद सब पढ़ाया गया क्वेश्चन है छोटू क्लास में कराएगा क्वेश्चन है निम्न में से किस में पाई जाती है किस में?

अगर आप लगाए होंगे तो आप लोगों का सही जरूर होगा देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिग इंच संबंधित है बिग इंच संबंधित है उस दिन भी बताया गया है देखिए छोटू रेल मार्ग से वायु मार्ग से पाइपलाइन से जल मार्ग से आपका सही आंसर है पाइपलाइन जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में है कितने है सी नंबर ऑप्शन में चलिए देखिए छोटू अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य ये भी कोई पूछने वाला बात है हम लोग कहाँ रहते हैं बिहार में हम लोग कहाँ रहते हैं बिहार में यही आपका आंसर है तो सत्रह का क्या मारिएगा ए सत्रह का ए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है सबसे जनसंख्या घनत्व कम पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश जो कि ए नंबर ऑप्शन में है कितना नंबर नंबर है ए ऑप्शन में उसके बाद 19 नंबर बात किया जाए भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है तो इसका तो होता है ज्यादा लेकिन इनमें ऑप्शन के अनुसार आप चलते हैं उन्नीस का डी उन्नीस का क्या चलते हैं उन्नीस का डी चलिए बहुत अच्छी बात है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो है भारत में पुरुष का प्रवास का कारण क्या है तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यह एन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो जहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी वहाँ पर था आपका विवाह लेकिन अगर विवाह रहता तब यहाँ पे रोजगार मारते लेकिन यहाँ से विवाह हटा दिया है थोड़ा दिमाग लगाया है और इनमें से सभी डाल दिया है जिस कारण से अगर भारत में पुरुष प्रवास करते हैं तो ये तीनों कारण से करते हैं शिक्षा के लिए भी जाते हैं रोजगार के लिए भी जाते हैं और व्यवसाय के लिए भी जाते हैं तो आपका सही आंसर है छोटू इनमें से सभी जो कि आपका डी नंबर क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है चलिए बहुत अच्छी बात अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है वेरी सिंपल क्वेश्चन चौहत्तर पॉइंट जीरो दशमलव चार प्रतिशत जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिएगा विकास का केंद्र बिंदु क्या है तो सब चीजें इसमें संसाधनों का पहुंच स्वास्थ्य एवं शिक्षा सब चीज क्या है विकास का केंद्र बिंदु है तो आप क्या मारिएगा बाइस का डी बाइस का क्या मारिएगा डी चलिए छोटू अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप महा की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है मतलब किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा एशिया क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं एशिया में न रहते हैं देखिए तो तेईस की बात किया जाए तो तेईस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी उसके बाद चलते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन की ओर चौबीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है तो इसका हो जाएगा लेटेविया जो कि डी नंबर ऑप्शन में है डी नंबर ऑप्शन में है, उसके बाद अगर बात किया जाए मानव विकास सूचकांक का विकास किससे संबंधित है अरे ये बाबा को आप थोड़ी भूल सकते हैं अब्दुल महल उल हक आपको उस दिन भी बताया गया था 25 का ए याद रखिएगा छोटू 25 का ए चलिए अब्दुल मुल हक महबूब मुल हक देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है छब्बीस नंबर क्वेश्चन छब्बीस नंबर क्वेश्चन में है छब्बीस नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है इसमें से सब है कृषि वानिकी की आखेट क्योंकि आपको बताया गया था आकेट भी किसके अंतर्गत आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है जिसको व्यापार नहीं कर सकते तो इसमें क्या आ जाएगा आपका गेहूं कॉफी भी है रबड़ भी है गन्ना भी है तो आपका सही आंसर है छोटू सी यानी सताइस का सी गेहूं अट्ठाईस नंबर देखिएगा अट्ठाइस नंबर पशु चरण किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सब लोग जानते हैं कृषि कार्य किस में आते हैं प्राथमिक में था अट्ठाईस का क्या हो जाएगा ए बहुत अच्छी बात अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल का कितना तो प्रतिशत इसी के लिए हम लोग क्या मार देते हैं तीन प्रतिशत हालांकि आप भी अगर कहीं से मिलाना चाहते हो तो मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उन्तीस का हम तो मारे हैं बी चले देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है लोहा भी धात्विक खनिज है मैग्नीज भी धात्विक खनिज है तांबा भी है तो इनमें से सभी मार दीजिए तीस का डी तीस का डी देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेला डीला प्रसिद्ध है अरे सिंपल सा क्वेश्चन है इकतीस नंबर बेला डीला प्रसिद्ध अगर कोई पूछे तो बेला डीला है प्रसिद्ध लौह अयक्स के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है लौह अयक्स के लिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गुरु महासानी ई भी किसके लिए? लिए है लौह अयक्स के लिए और ई भी ऑप्शन नंबर ए में ही है इस बार का क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है छोटू बॉक्साइड उत्पादन में अग्रामीण सब आदमी जानते हैं क्या उड़ीसा क्या जानते हैं उड़ीसा तो आपका तैतीस का क्या हो जाएगा ए तो हाँ इसका भी आंसर ए है आठ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है अगला क्वेश्चन है चौंतीस निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, है। लीजिए ना छोटू इतना सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या है सौर ऊर्जा जो कि आपका डी नंबर क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन में अगला क्वेश्चन कलपक्कम किस राज्य में है? एकदम सिंपल बड़ी क्वेश्चन तमिलनाडु में आपका कलपक्कम जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीस नंबर इसमें पूछ रहा है नागापुर योजना संबंधित अरे अरे छोटू सिंपल क्वेश्चन सड़क परियोजना से बताए थे ना नागापुर क्या है सड़क परियोजना से जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है तो वो है ए एनी टाइम मारते रहिए राष्ट्रीय जनमार्ग संख्या एक बताए थे ना पहले साधु को कोर्ट में काम है बताए थे ट्रिक देखिए इलाहाबाद से हल्दिया जो कि ऑप्शन नंबर ए में लेके बैठा हुआ है देखिए अगला क्वेश्चन है अड़तीस हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन हजीरा अवस्थित कहां पर है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए उनचालीस नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा इलाहा उनचालीस नंबर न क्वेश्चन होगा मेरा सैतीस अड़तीस नंबर देखिएगा छोटू अड़तीस नंबर अरे क्या बताए वीडियो लंबा बन जाएगा इसी के कारण थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अड़तीस नंबर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन हजीरा कहाँ उत्तर है उत्तर प्रदेश में देखिए बी अड़तीस का बी देखिए उसके बाद उनचालीस का देखिएगा उनचालीस की बात किया जाए तो कोकन रेलवे सिंपल क्वेश्चन गुजरात में कोकन रेलवे नहीं है तो देखिए आपका सही आंसर है उनचालीस का ए चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना भारतीय रेलवे अठारह सौ तिरपन एकदम सही है चालीस का क्या है ए चालीस का सी उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इनसेड संबंध उपग्रह संचार से इकतालीस का क्या है इकतालीस का किस में रख दिया है ए में रख दिया है। अगला क्वेश्चन जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पतन यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है अरे छोटू आप नहीं जानते हैं मुंबई अरब सागर में यह सब स्थित है तो कहाँ पे हो जाएगा छोटू मुंबई में कहाँ पे हो जाएगा मुंबई में चलिए देखिए पम्पास क्या है अरे आपको बताया गया था पम्पास एक प्रकार का चारा है कहाँ का दक्षिण अमेरिका का तो तैतालीस क्या हो जाएगा तैतालीस का ए अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन बर्मी धम कहाँ स्थित है बर्मी धम कहाँ स्थित है तो छोटू घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के ये आपका स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है? चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चलते हैं अगला क्वेश्चन कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है तो छोटू ये भी कोई पूछने वाली बात है आय इस्पात बनाया जाता है क्या बनाया जाता है इस्पात बनाया जाता है जो कि पहला नंबर ऑप्शन में ही लेके बैठा हुआ है अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है देखिए ना परिवहन संचार सेवा सब तो तृतीय क्रियाकलाप का है तो इसका क्या मार दीजिएगा डी अगला क्वेश्चन देखिए अड़तालीस अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है अरे बार बार बीबीआई क्वेश्चन लाल कलर संबंधित है पंचम क्रिया से उस दिन भी बताया गया है देखिए उनचास नंबर क्वेश्चन उनचास नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो उनचास नंबर छियालीस सैंतालीस नंबर क्वेश्चन होगा ये सैतालीस नंबर सैतालीस नंबर का डी हो जाएगा उसके बाद अड़तालीस का देख लीजिए अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा 20 में प्रथम रेलगाड़ी था अठारह सौ पच्चीस में दे दीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका है ए ठीक उनचास का देखिएगा उनचास के अंतर्गत अगर जानते हैं तो उनचास के अंतर्गत विश्व का संगंतम रेल यात्रा कहाँ पाया जाता है तो छोटू उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में उसके बाद अगर बात किया जाए जा, पचास का तो पचास का आप लोग देख लीजिए पचास का है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है तो छोटू हुगली नदी पर स्थित है क्योंकि हम जानते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे हुगली निम्नलिखित में पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है तो क्या है पड़ा द्वीप एकावन का डी एकावन का डी चलिए अगला देखिएगा बावन नंबर बावन नंबर की बात किया जाए तो बावन नंबर है निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है तो सब जानता है यमुना नदी बावन का ए तिरपन की अगर बात किया जाए तो तिरपन का क्वेश्चन क्या है आपका तिरपन नंबर तिरपन नंबर तिरपन नंबर क्वेश्चन में तो कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है छोटू वायु प्रदूषण सभी लोग जानते हैं बी नंबर ऑप्शन में है कभी नमागी नमामि गंगे नमामि गंगे जब गंगा शब्द आ गया है तो इसमें मार ना दीजिए सीधा का सीधा गंगा क्या हो जाएगा ए ए इसमें भी कोई पूछने वाली बात देखिए तो अगला क्वेश्चन हीरा कुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है पचपन नंबर एकदम छोहरा पूछा है इस बार देखिए अगला पूछिए छप्पन भारत की नदी नहीं है गंगा उगली दामोदर यह सब दक्षिण भारत की नदी है एक कृष्णा नदी है जो कि दक्षिण भारत की नहीं है तो इसका सही आंसर क्या मारिएगा कृष्णा नदी चलिए बहुत अच्छी बात सतमा क्वेश्चन भारत का जनगणना का महान ब्याज है उन्नीस क्या है छोटू आपका उन्नीस अगर आप मारे हैं तो आपका सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन परिसंचरण देखिए छोटू परिवहन को यहाँ पे लिखा है परिसंचरण संबंधित है दिमाग लगा है बायोलॉजी वाला यहाँ पे देखिए पहला दिया है सड़क मार्ग से दूसरा रेल मार्ग से तीसरा जल मार्ग से चौथा इनमें से सभी इसको क्या लगा हमको बायोलॉजी नहीं आता है बायोलॉजी भी जानते हैं देखिए ऑप्शन नंबर डी दी मार दीजिए सबसे चलते हैं हम लोग अंठावन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी उनमें से सभी देखिए उसके बाद उनसठ मानव भूगोल का संस्थापक क्या थे रेड जेल उनसठ नंबर क्वेश्चन का मार दीजिए ए बात आया साठ नंबर क्वेश्चन का तो साठ नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो साठ नंबर क्वेश्चन में कथी मत्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से ई एक्स का आंसर बी मारिए इसका आंसर भी मारिए उसके बाद आगे देखिएगा दस क्वेश्चन और बचा है एकसठ बीस में जनसंख्या से भारत कौन सा स्थान रखता है तो छोटू जनसंख्या में तो दूसरा स्थान है ही न रे दूसरा किस्म कितना नंबर ऑप्शन में है दूसरे नंबर ऑप्शन में भी मारिए बासठ नंबर देख लीजिए थोड़ा बासठ नंबर बोल रहा है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाता है अप्रवासी कोई ऑप्शन नंबर ए में है तिरसठ नंबर बात किया जाए तो तिरसठ नंबर के तौर पर अगर हम देखते हैं तो तिरसठ नंबर में आपका आता है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है तो छोटू सात प्रतिशत जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में है देखिए उसके बाद चौधरी चौंसठ नंबर क्वेश्चन चौंसठ नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो राउड़ किला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो राउर किला इस्पात जो है वो आपका उड़ीसा में उड़ीसा में स्थित है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है सिंपल सी बात है टाटा लॉ इस्पात तो सब आदमी जानते हैं जमशेदपुर में ये भी कोई पूछने वाली बात है पैंसठ का ले लीजिए सी उसके बाद छियासठ की बात किया जाए तो आपका छियासठ है आपका भारत का मैंचेस्टर दियाता वाला क्वेश्चन छोटू अहमदाबाद सी चलिए अगला क्वेश्चन टर्वो उद्योगिक किस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है सड़सठ की अगर बात किया जाए सड़सठ का तो आपका सड़सठ का हो जाएगा क्या बी सड़सठ का बी उसके बाद अगर बात किया नई औद्योगिक नीति कब लागू की तो उन्नीस सौ इक्यानवे में अड़सठ का सी अड़सठ का सी तो छोटू दुग अपना मन से बना ना लीजिए काहेला पूरा वीडियो देखिएगा देखिए छोटू अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आशा है उम्मीद है कि इस बार आप लोग को अच्छा रिजल्ट आएगा तो कौन आदमी को कितना सही हुआ है नाम और नीचे में मार्क्स लिख के थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा ताकि संतुष्टि मिल जाए तो मिलते हैं छोटू बाय बाय अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए बाद में मिला लीजिएगा